जारी है। तो इस सिलसिले की दूसरी कड़ी में हमारे स्पॉन्सर थे जनाब इसराज वीर, जिन्होंने ये टूर्नामेंट कराया। तो तमाम खिलाड़ियों ने बड़े अच्छे नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया। अंपायरिंग ने अंपायर भी जो थे वो गैर जानबदार थे। तो इस टूर्नामेंट में तीन टीमों ने हिस्सा लिया था। तो इस सिलसिले में जो है लीग मैच कल ही खत्म हो चुके थे, तो आज इस मैच का फाइनल था जो जहांगीर 11 और अब्दुल वाहिद 11 के दरमियान रहा। तो सबसे पहले मैं जो है अपने चीफ गेस्ट और दूसरे तमाम मेहमानों का आपके सामने जो है वो तस्करा करता हूँ। हमारे जो मेहमान हैं अब्दुल्ला जान साहब और इसके साथ इसराज वीर अक्षर खान साहब, ये हमारे तीनों जो हैं चीफ गेस्ट हैं। तो आज जो है फाइनल में दोनों टीमों ने बड़ा ही अच्छा खेल पेश किया। सबसे पहले जो है हमारी टीम ने जो है 84 रन बनाए थे, बड़ा मुश्किल टारगेट था। उन्होंने भी बड़ी अच्छी कोशिश की, करीब पहुँच चुके थे लेकिन बैड लक में वो हार गए। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले रनर टीम के कप्तान जनाब अब्दुल वाहिद को बुलाता हूं कि वो स्टेज पे आए और अपने हालात के इसने बनाओ में पारे जिंदा है अगर कैमरे के ना। दूसरी मरतबा बैड लक, आप जो है आपकी टीम दूसरी मरतबा फाइनल में पहुंची लेकिन जो है हार गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी बैटिंग बॉलिंग तो टॉस जीतने के बाद आपका जो फैसला था हमारी टीम को बैटिंग देने का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक गुजारिश करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप जीत जाओगे, आप कोशिश करते रहें। इसी तरह दो मरतबा आपकी टीम जो है वो सेमी फाइनल तक पहुंच चुकी थी लेकिन जो है आपके बस ये है कि किस्मत की बात है। बहुत अच्छे कामरान और असद ने बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया लेकिन जो ही वो टारगेट के करीब चले गए थे लेकिन बस ये है कि आखिरी ओवर में जो है वो क्लिक नहीं कर सके, इसलिए आपकी टीम जो है हार गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी टीम बड़ी अच्छा खेल पेश करेगी। इसके साथ ही आप अपना इनाम अब्दुल वाहिद से वसूल कर जाते। अच्छा भाई, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ दौरान खेल हम जो जज्बात में होते हैं तो नहीं समझते नहीं है, बाद जो है वो किसी कोई ऐसी बात निकल जाती है जो दूसरों को जो है बुरी लगती है। तो इसके लिए हम जो है आप सबसे माजरत हुआ है, मैं अपनी तरफ से सबसे माजरत हुआ हूँ। और अगर किसी भी हमारे खिलाड़ी या किसी भी जो है टीम के दूसरे खिलाड़ियों से किसी के साथ भी जो है वो गलती हुई हो तो उसे माफ़ कर दें, ठीक है? इसके साथ जो है मैं अपने चीफ गेस्ट ठीक है ये हमारे गेस्ट थे। तो इंशाल्लाह इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि आपको नेक्स्ट टाइम भी जो है ऐसा ही कोई टूर्नामेंट करवाएंगे। तो इसके लिए ये इंशाल्लाह ये जो मैच की सेरेमनी हो रही है इसके बाद जो है वो आपको बताएंगे कि वो इंशाल्लाह कब दूसरा टूर्नामेंट करवाएंगे, ठीक है? हाँ वो खुद इंशाल्लाह आपको फैसला करके आज कल जो बता रहा हूँ कल नहीं हो। इसके बाद जो है अब जी मैं जो है विनर ट्रॉफी के लिए कप्तान जहांगीर को स्टेज पे बुलाता हूँ कि आपने आए तालियां। कैमरामैन पहला मौका
चंगी पाल मूवी बनांदा जड़ कैमरामैन ना उल्टे किने यार भी बस कर गए इसके बारे में आप अपनी टीम के बारे में क्या राय देंगे? वैसे असल बात यह है कि अब्दुल वाहिद की टीम में जो कमियां थी हमने वो देखी, उधर गल सुने कि हम फाइनल से भी जीत गए। और दूसरी बात है इधर मैंने बूढ़ा जो सारी कर दी है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी सारी टीम को बताएं मेरे साथ। अच्छा, ये आपके बूढ़े का कमाल था या आपके छक्कों का कमाल था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में ये पुराने दौर की रवायतें हैं, जो लोग बूढ़ा दबाते हैं उससे आपने छक्के लगाए। तो इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कोशिश नहीं करेंगे, आप बूढ़ा दबाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह बस यही है जी। आप जो है विनिंग ट्रॉफी चीफ गेस्ट इसराज बीर से हासिल करेंगे। तो मेरे तमाम खिलाड़ियों को अभी आएंगे ग्राउंड में, सब जो है हमारी टीम के खिलाड़ी आएंगे। वीडियो पोस्ट कर देंगे।